नमस्कार, अक्की टैरो रीडर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि गायत्री मंत्र हम सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र का ओरिजिन कहाँ से है, या बेसिकली गायत्री मंत्र जो है, महर्षि विश्वामित्र जब 3 बार उनके साथ ऐसा हो गया कि वो तपस्या करके राजर्षि भी बन गए और फिर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास भी किया, उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ और उन्होंने प्रभु की स्तुति करी इस गायत्री मंत्र के द्वारा। उस गायत्री मंत्र को उस समय में उन्होंने समझा कि जो प्रभु इस भू भव स्वः तीनों लोकों में विराजने वाले प्रभु हैं, मैं आपकी शरण में जा रहा हूँ, सभी कुछ आपको अर्पण है और आप मुझे दिशा दिखाइए और मुझे सत्कर्मों में लगाते हुए मेरा जो लक्ष्य है उस तक मुझे पहुँचाइए, ऐसी उन्होंने प्रार्थना करी प्रभु से। तो गायत्री मंत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, इसके जो है काफ़ी प्रभाव होते हैं अगर हम इसको नित्य इसका चिंतन करते हैं, इसका मनन करते हैं। और जब हम कोई भी मंत्र जाप कर रहे होते हैं, आवश्यकता है कि हम उस मंत्र का अर्थ समझकर और उस मंत्र का जो भाव है उस भाव से जो है प्रभु की अर्चना करें, प्रभु की आराधना करें, तभी किसी भी मंत्र के जाप का फल जो है वो आपको मिलेगा। जैसा कि महर्षि विश्वामित्र की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक हम सब ने उनकी स्टोरी तो पढ़ रखी है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी कि कैसे एक राजा थे, वो राजा कौशिक, और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उस नंदिनी गाय को देखकर वो प्रेरित हुए कि मैं भी राजा की पदवी से बड़ी पदवी जो है वो ऋषि की पदवी है और मैं एक ऋषि बनना चाहता हूँ, महर्षि बनना चाहता हूँ। उनकी बहुत तपस्या हुई, बहुत तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको सभी जो है अस्त्र शस्त्र दिए और फिर उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जो है उनके साथ युद्ध करने का प्रयास किया, क्योंकि वो उस नंदिनी गाय को लेना चाहते थे उनसे, क्योंकि वो नंदिनी गाय जो थी वो एक तरह से आपकी सभी इच्छाएं पूरी करने वाली, कामधेनु की कहते हैं कि वो बछड़ी थी और वो आपकी सभी इच्छाएँ पूरी कर सकती है, ऐसी वो गाय थी। तो महर्षि विश्वामित्र जो थे, सॉरी उस समय तक वो राजर्षि ही थे, राजा एक ऋषि जो बन गए, और उन्होंने जब वशिष्ठ जी पे आक्रमण किया, क्योंकि वशिष्ठ जी स्ट्रॉन्गर थे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए उन पर जब फाइनली तैयार हो गए तो सबने उन्हें शांत किया कि आप ऐसा नहीं करिए। उसके बाद फिर उन्होंने फिर से तपस्या की, तो फिर उनकी तपस्या से इंद्र इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि उसने अपनी अप्सराओं को भेजना शुरू किया, मेनका को भेजा और वो सब, और उनकी तपस्या भंग हुई। फिर से उन्होंने जब रियलाइज़ किया कि ये सब जो है चीज़ें मुझे मेरे लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं, जैसे काम है, क्रोध है, मोह है, ये सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेंगी अगर मैं अपने लक्ष्य को पाना चाहता हूँ, जब उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ, तब उन्होंने गायत्री मंत्र का असली अर्थ समझा और तब उन्होंने उस गायत्री मंत्र की गायत्री मंत्र से भगवान की आराधना करी और अपने लक्ष्य को पाया और फिर वो महर्षि विश्वामित्र बने। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं इस कहानी में और बहुत कुछ सीखने को है। आप विचार करिए कि अगर एक राजा महर्षि बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस जो है एक चीज़ पर करके, तो हम भी अगर अपना फोकस एक चीज़ पे करने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मॉरल्स, देर आर लॉट ऑफ अदर मॉरल्स एज वेल, सो प्लीज़ ट्राई एंड फिगर आउट व्हाट शुड बी द फोकस ऑन योर लाइफ एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो।